आप मेरे को ये बताइए, अडानी की कंपनी वही है, ठीक है? अडानी के जितने ऑफिसर्स हैं, जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जितने पोर्ट है, सब जगह काम चल रहा है, एक भी इंप्लॉई नहीं निकाला गया है, तो कहां से कंपनी डूब गई? रही बात शेयर मार्केट में जो पैसे डूबने के हैं, तो शेयर मार्केट हमेशा परसेप्शन बेस्ड होता है सर। किसी भी शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपए होती है, और उसकी 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 मार्केट वैल्यू 10,000 रुपए कैसे पहुंच जाती है? लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है, आप मुझे ये कह रहे हैं? 101% झूठी है, और मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ। आप प्रूफ कर दीजिए। हाँ, आप अब ध्यान से सुनिए। हाँ। मैंने हिंडनबर्ग के बारे में कुछ छानबीन की। इसके ट्विटर पे जाओगे, जो नाथन इसका जो फाउंडर है, हाँ, उसने क्लियरली लिखा है कि वी एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एडवाइस ओपिनियन स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नॉट एन एडवाइस फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ओपिनियन, एडवाइस और लॉफुल लीगल प्रूफ में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसने इसी तरीके का षड्यंत्र चाइना की एक कंपनी है यांग सिटी जो लॉजिस्टिक करके, उसके रिपोर्ट में देखेंगे तो उस पर जज ने, यूएसए में जज ने बोला है कि इट इज मियरली अ टेक्स्ट बुक ओपिनियन। ओपिनियन डिफरेंट थिंग है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। अडानी के खिलाफ है, अपने उद्योगपतियों के खिलाफ है। नाथन एंडरसन जो है हिंडनबर्ग में, 5 साल पुरानी कंपनी, 10 एम्प्लॉई काम करते हैं। ऑडिट जो होता है प्राइस वाटर कूपर, दुनिया की जानी मानी हस्तियां पिछले दसियों साल से जो बड़ी बड़ी कंपनी है देश की और विदेश की वो करती है, उनको कभी कोई कमी नहीं लगी। ये दो बंदों की कंपनी 2 साल में नहीं, मिश्रा जी मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। ना मिश्रा जी, देखिए सुनिए मेरी बात, सुनिए ना सर।